रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना ऊपर नीचे और दरमियान, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। आज बड़े अरसे बाद बाग में बैठे हैं मियां साहब और बेगम साहिबा। बहुत देर के बाद आज मिल बैठने का इत्तफाक हुआ है। जी हाँ, बहुत पीछे हटता हूँ, मगर जो नहीं कर पाते उनका ख्याल करके कौम की पेश हुई जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ती है। असल में आप ऐसे मामलों में बहुत नरम दिल हैं, बिल्कुल मेरी तरह। आपकी सोशल एक्टिविटीज का इल्म होता रहता है, हमें फुर्सत मिले तो कभी अपनी वह तकरीरें भिजवा दीजिएगा जो पिछले दिनों आपने मुख्तलिफ मौकों पर की है। मैं फुर्सत से उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बेहतर। हाँ बेगम, वह मैंने आपसे उस बात का जिक्र किया था। किस बात का? मेरा ख्याल है जिक्र ही नहीं किया। कल इत्तफाक से मैं मंजले साहबजादे के कमरे से जा निकला, वह लेडी चैटरलीज लवर पढ़ रहा था। वो रुस्वाए जमाना किताब जिसे लोग घटिया नजर से देखते हैं। हाँ बेगम। आपने क्या किया? फिर क्या था, मैंने उससे किताब छीनकर गायब कर दी। बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर से मशवरा कर लूँ और उसके रोजाना के खाने में कुछ तब्दीली करा दूँ। बड़ा सही कदम उठाएंगे आप। मिजाज कैसा है आपका अभी? ठीक है। मेरा ख्याल था कि आज आपसे दरख्वास्त करूं। ओह, आप बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ये सब तो आपकी जादूगरी का नतीजा है। लेकिन आपकी सेहत? सेहत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा, और आपकी तरफ से भी मुझे पूरा इत्मीनान होना चाहिए। मैं आज ही मिस सल्ढाना से पूछ लूंगी। और मैं डॉक्टर जलाल से। कायदे के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। और अगर डॉक्टर जलाल ने इजाजत दे दी तो? अगर मिस सल्ढाना ने इजाजत दे दी। मफलर अच्छी तरह लपेट लीजिए, बाहर सर्दी है। बेगम शुक्रिया। मियां जी और बेगम के जाने के बाद डॉक्टर जलाल और मिस सल्ढाना में बातचीत शुरू होती है। तुमने इजाजत दे दी? जी हाँ। इजाजत तो मैंने भी दे दी, पर मन नहीं कर रहा था। हालांकि शरारत के तौर पे मैं भी चाहती थी कि इजाजत ना दूं। पूरे एक बरस के बाद वो? हाँ, पूरे एक बरस के बाद। मेरी उंगलियों के नीचे उसकी नब्ज तेज हो गई जब मैंने उसे इजाजत दी। उसका भी यही हाल था। उसने ना मुझसे डरते हुए कहा, डॉक्टर ऐसा मालूम होता है कि मेरा दिल कमजोर हो गया है, आपका कार्डियोग्राम लीजिए। उसने भी मुझसे यही कहा। मैंने उसके टीका लगा दिया। मैंने भी, सिर्फ सादा पानी का। सादा पानी बेहतरीन चीज है। जलाल, अगर तुम इस बेगम के शौहर होते। अगर तुम इस मियां की बीवी होती। मेरा कैरेक्टर खराब हो गया होता। मेरा तो जनाजा उठ गया होता। ये भी तुम्हारे कैरेक्टर की खराबी कहलाती। हम जब भी इन सोसाइटी के उलुओं को देखने आते हैं ना, हमारा कैरेक्टर भी खराब हो जाता है। आज भी होगा बहुत ज्यादा। मगर मुसीबत ये है ना कि इनका इतने लंबे लंबे अरसों के बाद होता है। ओहो। वहां बेगम साहिबा को मियां जी के तकिए के नीचे कुछ मिलता है। लेडी चैटरलीज लवर, ये आपके तकिए के नीचे क्यों रखी हुई है? मैं देखना चाहता था कि ये किताब कितनी बेहुदा और वाहियात है। मैं भी आपके साथ देखूं? अच्छा, आज तो मैं रुक रुक के देखूंगा और पढ़ता जाऊंगा, और आप भी सुनती जाइएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा। मैंने मंजले साहबजादे की रोजाना के खाने में
डॉक्टर के मशवरे से तब्दीलियां करा दी हैं। मुझे यकीन था कि आपने इस मामले में गफलत नहीं बरती होगी। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी में कभी आज का काम कल पर नहीं छोड़ा। मैं जानती हूँ, और खासकर आज का काम तो आप कभी। बेगम, आपका मिजाज कितना प्यारा है। ये सब आपकी सोहबत का असर है। मन बहुत खुश हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठहरिए, क्या आपने दांत साफ किए? अरे क्या बेगम, जी हाँ, मैंने दांत साफ करके और डेटॉल से गरारे भी करके आया हूँ। मैं भी। बेगम, असल में मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे। इसमें क्या शक है? मैं रुक रुक के ये बेहुदा किताब पढ़ना शुरू करूं? ठहरिए, जरा मेरी नब्ज देखिए। ये तो कुछ तेज चल रही है। मेरी देखिए। आपकी भी तेज चल रही है। ओ, वजह? दिल की कमजोरी? हाँ, यही वजह हो सकती है। लेकिन डॉक्टर जलाल ने कहा था कोई खास बात नहीं। मिस सल्ढाना ने भी यही कहा था। अच्छी तरह से उसने टेस्ट करके इजाजत दी थी ना? बहुत अच्छी तरह से इम्तिहान करके ही इजाजत दी थी। तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं। आप बेहतर समझते हैं। ऐसा ना हो आपकी सेहत। और आपकी सेहत भी। अच्छी तरह सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। मिस सल्ढाना ने उसका तो बंदोबस्त कर दिया है ना? किसका? हाँ हाँ, उसका तो बंदोबस्त कर दिया है उसने। यानी उस तरफ से तो पूरा इत्मीनान है ना? जी हाँ। जरा अब देखिए नब्ज। अब तो ठीक चल रही है। मेरी? हाँ, आपकी भी नॉर्मल है। इस बेहुदा किताब का कोई पैरा तो पढ़िए। बेहतर, पर नब्ज फिर तेज हो गई। मेरी भी। नौकरों से जो सामान चाहिए रखवा दिया आपने कमरे में? जी हाँ, सब चीजें मौजूद हैं। बेगम, अगर आपको जहमत ना हो तो मेरा टेम्परेचर ले लीजिए एक बार। क्या आप तकलीफ नहीं कर सकते? स्टॉपवॉच मौजूद है, नब्ज की रफ्तार भी देख लीजिए। हाँ, ये भी नोट होनी चाहिए। सिमलिंग सॉल्ट कहाँ है? वहीं दूसरी चीजों के साथ होना चाहिए उसे। जी हाँ, पड़ा है तिपाई पर। कमरे का टेम्परेचर मेरा ख्याल है थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए हमें। मेरा भी यही ख्याल है। सुनिए बेगम, कमजोरी अगर ज्यादा हो जाए तो मुझे दवा देना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगी अगर। हाँ हाँ, वरना आप तकलीफ ना उठाइएगा। अच्छा, आप ये पेज तो पूरा पढ़िए। अच्छा सुनिए, ये आपको छींक क्यों आई? मालूम नहीं। हैरत है। मुझे खुद हैरत है। ओह, मैंने कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय घटा दिया, माफी चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि छींक आ गई, और ठीक वक्त पे पता भी चल गया। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं बेगम, 12 खतरे ब्रांडी इनकी कमी पूरी कर देगी, फिर क्या। ठहरिए, मुझे डालने दीजिए, आपसे गिनने में गलती हो जाती है। ये तो और दुरुस्त है बेगम, आप ही डाल दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता पीजिए। इससे ज्यादा आहिस्ता और क्या होगा। अब कैसी तबीयत है? अब तो बेगम हो रही है धीरे धीरे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, मुझे भी, मैं खुद इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। मियाँ जी और बेगम साहिबा के कमरे के बाहर उनके नौकर नौकरानी सारी बातें सुन रहे होते हैं। क्या बात है, आज बेगम साहिबा नजर नहीं आई। तबीयत नासाज है उनकी। अच्छा, मियाँ साहब की तबीयत भी नासाज ही है। हमें मालूम था। हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा।
क्या मतलब ये जो कुदरत का तमाशा है ना, हमें तो आज मौत के बिस्तर पर होना चाहिए था। कैसी बातें मुंह से निकालते हो, मौत के बिस्तर पर हो वो? अरे मत छेड़ो उस मौत के बिस्तर का जिक्र, बड़ा शानदार होगा। खामखा मेरा जी चाहेगा कि उठाकर अपनी कोठरी में ले जाऊं। कहां चले? बढ़ई ढूंढने जा रहा हूं। चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हाँ इसमें कहना मजबूत लकड़ी लगाए। समाज में जो ऊपर है उसके अंदर दम नहीं, जो दरमियान है उसके हालात तंग हैं, और जो बेचारा नीचे है उसके पास दम तो है मगर बिस्तर नहीं।